जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोकनायक की उपाधि दी गई, उनका गांव है सिताब दियारा। उस गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं, टीवी 9 भारतवर्ष की टीम। सामने देखिए जेपी स्मारक भवन और ठीक उसके सामने उनकी आदमकद प्रतिमा, जिसका अनावरण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं इस वक्त। लेकिन ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा है। ये जो गांव है सिताब दियारा, आधा गांव उत्तर प्रदेश में और आधा गांव बिहार में, इसको लेकर भी बहुत राजनीति हुई। नीतीश कुमार ने दो दिन पहले कहा कि बिहार सरकार ने बहुत सारे काम करवाए हैं कटाव, चूँकि ये गाँव कटाव से भी पीड़ित है, लिहाजा उत्तर प्रदेश की सरकार ने यहाँ कुछ नहीं किया है। हमारे साथ स्थानीय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हैं। सिग्रीवाल जी, ये बताइए, ये जो राजनीति उत्तर प्रदेश और बिहार की चल रही है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जेपी को बीजेपी भूल गई है, बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ भी आज यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ काम उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं करवाया है। देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश को बांटने की जरूरत नहीं है, यह तो भारत है। और लोकनायक जो पूरे भारत के थे, भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए उन्होंने हर कुर्बानी करने का काम किया, जेल को भी क्रॉस किया, बाहर जाने का काम किया, दूसरे जब इमरजेंसी लगा तो उसको भी क्रॉस करने के लिए पूरे भारत के लोगों को आज़ादी दिलाने का काम किया। यह तो कटु भाव है, यह तो संकीर्ण भाव है, चाहे जिसका भी हो जो यह कह रहा हो कि बिहार और उत्तर प्रदेश की बात है, यह तो पूरे देश की बात है। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी पूरे देश के लिए उन्होंने काम किया था, देश को एक स्वतंत्र वातावरण मिले, देश को एक कुंठित वातावरण से मुक्ति दिलाने का काम जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। और इसीलिए लोकनायक की उपाधि किसी को नहीं मिली, अन्य उपाधियां मिली, लेकिन लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण जी को मिली थी। और यह तो सीधे बिहार में है, लेकिन इसको बांट करके हम नहीं देख सकते हैं, इसको पूरे एक समग्र रूप में, एक व्यापकता में, पूरे भारत के रूप में, दुनिया के रूप में, कि हमारा नेतृत्व पूरे दुनिया में भी आज जिस तरीके से प्रभावी है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी भी उस समय भी अपने स्तर से पूरे अचानक जेपी इस स्तर पे क्यों याद आने लगे, चाहे वो बिहार की सरकार नीतीश कुमार हो या फिर आप हो? नहीं, पहले भी है। मैं आपको सामने एक भवन दिख रहा है, आपको मैं बताऊं कि जब मैं कला संस्कृति मंत्री था तो मेरे कलम से हुआ है, मुख्यमंत्री उस समय कोई होगा, लेकिन आज बता दिए महागठबंधन में कौन काम यहाँ कर करके बताए हैं, जरा एक भी काम बता दें हमको। मैं उस समय सरकार में था, मैं एज ए मंत्री, कला संस्कृति मंत्री, मेरे कलम से यहाँ के लिए जमीन भी एक्वायर किया गया, यह भवन भी बना है, अन्य चीज़ भी। और आज भी यहाँ बिजली अगर बिहार में अगर चल रही है तो उत्तर प्रदेश से मैंने उसी समय टाई अप कर करके लिया था, आज भी यहाँ बिजली यहाँ चल रही है। कुछ और कोशिश हो रही है, क्योंकि 19-20 दिन बाद फिर से अमित शाह बिहार में हैं, तो ये लगातार बिहार के सीमांचल के बाद ये जो इलाका है, पहले बिहार और बंगाल की सीमा, अब बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा। देखिए, भारत के गृह मंत्री होने के नाते जहाँ भी, अगर यहाँ जंगल राज था, गुंडा राज है, तो गुंडा राज और जंगल राज को तो ख़त्म करना है, साधना है ना, तो गृह मंत्री जी का दायित्व तो भी बन जाता है, कैसे जगहों को ज़्यादा से ज़्यादा साध कर करके यहाँ एक सामान्य वातावरण बने, लोगों को डर और भय की वातावरण से मुक्ति मिले। और इसलिए, और भारत के गृह मंत्री जी को कहीं जाने का अधिकार है, कहीं करने का अधिकार है, इसको सीमा में भी बांध करके या सारे भाव संकुचित हैं, या छोटे भाव, व्यापकता से हर चीज़ को देखना चाहिए। आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ के लोगों में कितना उत्साह है, एक एक जन में उत्साह है। मेरा तो यह 4 टर्म मैं यहाँ से MLA रहा हूँ, और मैं एक एक घर को मैं जानता हूँ व्यक्तिगत, सिताब दियारा, द्वाबा, इस सब क्षेत्रों को मैं एक एक घर में, औरतों को भी शायद नहीं, मैं भी चलूँगा, ये इतना आयोजन हो रहा है, एक लग रहा है कि जिस तरीका से कुंभ लगता है, कुंभ मेला, आप समझे कुंभ के जैसा लोगों में उत्साह है, तो यह तो अच्छी बात है ना, यह तो राज्य के लिए, देश के लिए अच्छी बात है। अच्छी बात है, कुंभ की तरह उत्साह है। और राजनीतिक पार्टियों में इस उत्साह का दूसरा कारण ये भी है कि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो जो भीड़ दिख रही है या जो भी आयोजन है, कहीं ना कहीं इसके पीछे का भी मकसद है। चाहे नीतीश कुमार को अचानक से जेपी उस स्तर पर याद आने लगे, हालांकि इसी गांव से कुछ वर्ष पहले नीतीश कुमार यहां पहुंचे थे, जब लाल कृष्ण आडवाणी यहां पर पहुंचे थे, रथ यात्रा की शुरुआत इसी गांव से, जेपी के गांव से, जेपी की मिट्टी का आशीर्वाद लेकर के रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी, तब उस रथ यात्रा को हरी झंडी नीतीश कुमार ने दिया था। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं, सत्ता साझेदारी बदल गई है, यारी भी बदल गई है, अब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग हैं। हालांकि जेपी दोनों को याद आ रहे हैं, जेपी का जो सिंबोलिज्म है वो दोनों को याद आ रहा है, लेकिन सवाल ये भी है कि जिस जेपी को नीतीश कुमार बड़ी शिद्दत से याद करते हैं और कहते हैं कि वो जेपी के चेले हैं, लेकिन जेपी जो कांग्रेस के खिलाफ उस वक्त जो उन्होंने मुहिम या एक
बृहत्तर योजना के लिए उन्होंने जो एक आंदोलन छेड़ा था, आज कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों के साथ नीतीश कुमार भी हैं और उनके साथ लालू प्रसाद यादव भी हैं। ऐसे में चाहे वो सीमांचल का इलाका हो या फिर ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा हो, भारतीय जनता पार्टी सीमाई क्षेत्रों के माध्यम से तीन राज्यों की राजनीति को साधने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9।